जिसे मैंने ट्रैप कर दिया है इन खतरनाक 5 केजेस के अंदर, और अगर नूब इन 5 केजेस को स्किप कर देता है तो नूब को मिलने वाले हैं टोटल 500 डायमंड्स। ओके गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और नूब को ये आयरन वाले डोर को खोलना एस्केप करना होगा और अगले वाले लेवल पे जाना होगा। बट उसके लिए उसे बटन या फिर प्रेशर प्लेट जैसा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे वो इस आयरन डोर से एस्केप कर पाए। बाकी नूब भी मतलब किसी भी डोर को ऐसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे चेस्ट में कुछ सामान दिया था तो चेस्ट के अंदर मिला है नूब को कोल। ओके गाइस, ये पेंटिंग के पीछे भी कुछ है बट ये नूब को बिल्कुल भी नहीं पता। ये पेंटिंग के पीछे भी मैंने कुछ रख के रखा है जिससे नूब इस आयरन डोर को स्केप कर सकता है। बाकी वेट, अरे यार ये नूब ने स्केप कैसे कर दिया, मतलब मैंने लिटरली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नूब को ये पता चलेगा। बाकी यहाँ पे नूब को आयरन मिल चुका है तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, कोल और आयरन की हेल्प से नूब इस आयरन को पका सकता है और उसे शायद आयरन का प्रेशर प्लेट बना ले। बाकी यहाँ पे फर्नेस के अंदर नूब ने आयरन को रख दिया है और आयरन जब तक पक रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ कि क्राफ्टिंग टेबल में आके अगर नूब प्रेशर प्लेट सर्च करेगा तो उसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेशर प्लेट मिलेगी जिसे नूब 2 आयरन की हेल्प से आसानी से बना सकता है। और शायद नूब ने बना लिया, वेट, नूब ने बना लिया। लिटरली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था नूब से कि नूब इतनी आसानी से इसे बना लेगा। बाकी अगली लेवल में चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे नूब को इस लावा को पार करना होगा बट नूब इसे आसानी से नहीं जा सकता। बट नूब को पता कैसे चला यार ये तरीका, लिटरली मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि नूब ऐसे भी जा सकता है। 2000 years later. ओके गाइस, नूब फाइनली अगले लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे इसे क्या करना है, यहाँ पे इसे बहुत सारे जॉम्बीज को मारना होगा बट नूब के पास एक भी स्वॉर्ड वगैरह नहीं है। धीरे से टाइम बीतते जा रहा था और नूब के पास टाइम बहुत कम बचा था क्योंकि नूब ने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, इसलिए अब नूब के पास बहुत कम टाइम है। मुझे लगता है मुझे नूब की मदद करना चाहिए वरना नूब इस लेवल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा और नूब का सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता हूँ। अब बस यहाँ पे एक ही ज़ॉम्बी बचा है, अब तो शायद नूब को अकेले इसे मार देना चाहिए बट मुझे नहीं लगता नूब इसे इस लेवल को टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी बचा है, लगता है मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। वेट, चलो नूब यहाँ पे आ तो चुका है बट नूब, आई डोंट थिंक नूब है ना इस ज़ॉम्बी को अकेले मार पाएगा क्योंकि नूब, ओ वेट, नूब ने मार दिया, बहुत बड़ी बात है। जल्दी से आज चलते हैं और यहाँ पे मैंने डोर खोल दिया बिकॉज नूब से शायद नहीं जा पाता। बाकी यहाँ पे ये जो पानी है ना, ये पानी सीधा नूब को लावा में फेंक सकता है, इसलिए नूब को ध्यान से इस आयरन के डोर को खोलना पड़ेगा ताकि वो फाइनल लेवल पे पहुँच पाए। बाकी ये जो जगह है ना, ये सच में काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब मैं भी इस लेवल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाया था। वेट, बाकी नूब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बचा, नूब अभी लावा में गिर चुका था। जल्दी से मुझे लगता है कि मेरे को ही हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे लावा मुझे ना ये आयरन डोर खोलना पड़ेगा ताकि नूब यहाँ से आसानी से जा पाए। बाकी मैं जल्दी से इस बटन को दबा देता हूँ बट नूब इस डोर से आ नहीं पा रहा। ओके वेट, ओके भाई मुझे नहीं लगता कि नूब, अरे नहीं, 2000 years later. ओके गाइस, फाइनली अब नूब यहाँ से जा चुका है। अब बारी थी फाइनल लेवल की बट ये लेवल पहले वाले लेवल जितना आसान नहीं होने वाला। अब बारी थी इस चैलेंज के फाइनल और सबसे ज़्यादा मुश्किल लेवल की जिसमें नूब को इन खतरनाक TNT के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ओके गाइस, नूब यहाँ से निकल चुका है बट यहाँ पे TNT काफ़ी सारे हैं तो नूब के लिए यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो यहाँ से अगर नूब धीरे धीरे जाए तो वो बच सकता है और वो फाइनल लीवर के बहुत ज़्यादा पास में है, बस नूब को ये लीवर दबाना है और नूब जीत गया। वेट, आई थिंक, ओ नहीं नहीं भाई, नूब ने गलत समय पे यार TNT पे खड़ा हो गया था बट फाइनली नूब ये है ना चैलेंज जीत चुका है। नूब को मिलने वाले हैं टोटल 500 डायमंड्स। लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नूब ये पूरा का पूरा चैलेंज आसानी से क्लियर कर देगा बट एनीवेज नूब के पास टाइम बहुत कम बचा था। ओके गाइस, जैसा मैंने कहा था उसी तरीके से मैं नूब को सारे के सारे 500 डायमंड्स यहाँ पे दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डायमंड्स ले लिए हैं और इन सभी डायमंड्स को मैं नूब को दे देता हूँ।
ओके गाइस, मैंने फाइनली नूब को सारे के सारे डायमंड्स दे दिए हैं। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। बैठे नूब खुद ही उधर लावा में जाके मर गया। बट एनीवेज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।